हाय गाइस, हम आप लोगों के सामने क्लास टेंथ का लेसन नंबर 5 जो कि टॉर्च बियरर्स हैं, यूपी बोर्ड का सिलेबस लेसन नंबर 5 टॉर्च बियरर्स। हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन किया था। फर्स्ट पार्ट में आपको हमने आधा इसकी कहानी जो डब्ल्यू एम राइबर्न के द्वारा लिखी गई है, इस लेसन 5 को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। तो हम पार्ट फर्स्ट का हाफ पैराग्राफ तक आप लोगों को बता दिए थे और हाफ है अभी बाकी है, तो सेकेंड पार्ट में हम इसको लेकर के आए हैं। ये कहानी आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट में पढ़ी होगी तो यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है अपने बूढ़ा होने तक। एक बूढ़ा व्यापारी रहता है और सोचता है कि कैसे अपने धन को दोनों बेटों के बीच, उसके दो बेटे रहते हैं और दोनों बेटों के बीच कैसे वो अपने धन को बांटे, या एक ही व्यक्ति को या एक ही बेटे को सारा धन दे दे, तो वह उनकी परीक्षा लेता है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के आगे। हमने सेकेंड पार्ट में अपने इस वीडियो को लेकर एक्सप्लेन करते हैं। जब दूसरा बेटा बाहर गया विद हिज रुपी, अपने रुपए के साथ, यानी जब दूसरा बेटा अपने रुपए के साथ अपने रुपए को लेकर के बाहर गया। When the second son went out with his rupee, जब दूसरा लड़का अपने रुपए के साथ बाहर चला गया। He did not go straight way, यानी वह सीधे रास्ते नहीं गया। कहाँ नहीं गया? तो टू द बाजार, वह सीधे बाजार नहीं गया। जैसा कि पहला लड़का था, जैसे ही पहले पैसा उठाता है और वो सीधे बाजार में चला जाता है, तो दूसरा लड़का ऐसा नहीं करता है। जब दूसरे लड़कों को पैसा मिलता है तो वो अपना पैसा लेकर के सीधे बाजार नहीं जाता। इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट का मतलब ऐसा करने के, यानी बाजार जाने के बजाय, ऐसा करने के बजाय ही सैट डाउन, पर नीचे ही जहाँ पे पैसा लिया था वहीं पे बैठ गया। एंड बिगेन टू थिंक, और सोचना शुरू कर दिया। और सोचने लगा, भाई एक रुपए मिले थे और एक रुपए में क्या कोई ऐसी चीज़ खरीदे जिससे कि पूरा घर भर सके। उसके पिताजी ने ऐसा कहा था, ऐसा काम करने के लिए। तो ऐसा करने के बजाय वो नीचे बैठ गया और बैठ के ही सोचने लगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक, यानी एक लंबे समय तक, काफ़ी समय तक ही सैट थिंकिंग, वह सोचता रहा, वह बैठ कर सोचता ही रहा अबाउट उस चीज़ के बारे में, व्हाट ही कुड पॉसिबली बाय, जिसे वह संभवतः खरीद सकता है, यानी वह क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे उसे एक रुपए में मिल जाए और उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, यानी वह ऐसा बैठ के ही सोचता रहा। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक ही सैड थिंकिंग, वह बैठ के सोचता रहा अबाउट व्हाट, यानी उस चीज़ों के बारे में कि जिस चीज़ के बारे में वह संभवतः खरीद सकता है। एट लेंथ, अंततः या अंत में। एट इवनिंग टाइम, शाम के समय में। एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार उसके मन में आया। स्ट्रक का मतलब तो होता है प्रहार करना, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक, एन आइडिया स्ट्रक हिम, यानी उसके मन में एक विचार आया। टेकिंग हिज रुपी अपने रुपए को लेकर ही वॉक्ड क्विकली डाउन द बाजार, वह शीघ्रता से बाजार की तरफ चल दिया। ये वॉक यानी वह चल दिया, क्विकली में शीघ्रता से, डाउन द बाजार मैंने बाजार की तरफ, वह शीघ्रता से बाजार की तरफ अपने रुपए को लेकर चल दिया। टिल ही केम टू अ शॉप, और वह एक शॉप पे आया, एक दुकान पे आ गया। वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड, जहाँ पे मोमबत्तियाँ बिकती थी, यानी काफ़ी देर तक शाम के समय में सोचा तो उसके मन में एक विचार आया कि अपने रुपए को लेकर वह शीघ्रता से तुरंत बाजार गया और बाजार में एक ऐसी दुकान पे गया जहाँ पे मोमबत्तियाँ बिकती थी। ही स्पेंट हिज रुपी, उसने अपना रुपए खर्च किया ऑन कैंडल्स, मोमबत्तियों पर, यानी उसने अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च किया। ऑफ विच, जिससे, ही गॉट, उसे मिले, क्वाइट अ नंबर का मतलब अधिक संख्या में, क्वाइट नंबर का मतलब जिससे उसे अधिक संख्या में मोमबत्तियाँ उसके पैसे से मिल गए, यानी ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स, उसने अपना पैसा, अपना रुपया जो है मोमबत्तियों पर खर्च किया जिससे उसे अधिक संख्या में मिले, अधिक संख्या में उसे मोमबत्तियाँ मिल गई। देन, तब, टेकिंग हिज कैंडल्स विद हिम, अपने साथ मोमबत्तियों को लेकर। टेकिंग हिज कैंडल्स यानी अपनी मोमबत्तियों को, विद हिम अपने साथ, टेकिंग का मतलब लेकर, तो अपने साथ उन मोमबत्तियों को लेकर। ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, तो ही मेड हिज वे, वह अपने रास्ते वापस लौटा। टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर,
यानी वह अपने पिता के घर अपने रास्ते वापस लौट गया। जब वहाँ गया यानी वह वहाँ पहुँचा अपने पिता के घर जब वह पहुँच गया, हिज ब्रदर उसका भाई वाज स्टैंडिंग खड़ा था डिसकॉन्सोलेटली निराशाजनक यानी निराशापूर्वक, उसका भाई जो है खड़ा था निराशापूर्वक, लुकिंग का मतलब देखते हुए या देखकर, एट द हे उस भूसे को स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर फैले हुए, तो फर्श पर फैले हुए उस भूसे को देख करके उसका भाई जो है निराशाजनक खड़ा था यानी देखते हुए, यानी उसका भाई जो है देखते हुए फर्श पर फैले हुए भूसे को देखते हुए उसका भाई निराशाजनक खड़ा था जब वह वहाँ पहुँचा, यानी जब अपने पिता के घर गया तो उसने देखा कि उसका भाई जो है निराशापूर्वक खड़ा है और फर्श पर फैले हुए भूसे को देख रहा है। यानी पहला लड़का जो है भूसा खरीद के लाया रहता है एक बैलगाड़ी और उसको सभी घरों में भर देता है, तो देखता है कि फर्श को ढकने के लिए यह भूसा पर्याप्त ही नहीं है, पूरा घर कहाँ से भर देगा, तो बस फर्श पे भूसे को बिछा करके वह टकटकी लगा के उसको देखता ही रहता है। जबकि दूसरा भाई पहले बैठ सीधा बाजार नहीं जाता, पहले बैठ के खूब सोचता है और शाम के समय में काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसके मन में विचार आता है और वह अपना पैसा लेकर के सीधे बाजार जाता है और एक ऐसी दुकान पर जाता है जहाँ पे उसे मोमबत्तियाँ अधिक संख्या में मिल जाती हैं। वह अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च कर देता है और फिर अब उस मोमबत्तियों को लेकर अपने पिता के घर वापस लौट आता है। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली शीघ्रता से द सेकेंड सन दूसरे लड़के ने स्टूड खड़ी कर दी 2 or 3 candles यानी 2 या 3 मोमबत्तियाँ इन ईच रूम प्रत्येक कमरे में। तो शीघ्रता से दूसरे बेटे ने 2 या 3 मोमबत्तियाँ प्रत्येक कमरे में खड़ी कर दी। देन ही लीट देम तब उसने उन्हें जलाया। ठीक, यानी 2 या 3 मोमबत्तियाँ जो है शीघ्रता से दूसरे लड़के ने प्रत्येक कमरे में खड़ी कर दी, लगा दी और उसके बाद ही लीट देम उसको जलाया। एट वंस तुरंत द हाउस घर वाज फील्ड विद लाइट, तुरंत पूरा घर जो है वो प्रकाश से भर गया। His father was very pleased with him, उसके पिताजी was very pleased बहुत प्रसन्न थे with him उससे, यानी उसके पिताजी उससे बहुत प्रसन्न हुए थे। And said और कहें my son मेरे बेटे you have shown true wisdom तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। You have shown तुमने दिखाई है, true wisdom माने सच्ची बुद्धिमानी, तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। I am ready to hand over, hand over का मतलब होता है सौंपना। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ टू हैंड ओवर सौंपने के लिए ऑल माई मनी यानी अपना पूरा पैसा टू यू तुम्हें, यानी मैं तुम्हें अपना पूरा पैसा सौंपने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए आगे, नाउ अब वी ऑल लिव, हम सभी रहते हैं इन अ बिग हाउस एक बड़े घर में। यानी अब यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से जो शिक्षा हमें मिलती है मनुष्यों को, जो स्टूडेंट्स को मिलती है वो बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में। तो नाउ अब वी ऑल लाइव इन अ बिग हाउस, हम सभी लोग एक बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, तो विच जिसे वी कॉल हम पुकारते हैं या कहते हैं आवर नेटिव कंट्री अपनी मातृभूमि अथवा अपना मातृ देश। तो अब हम एक बड़े से घर में रहते हैं जिसको हम अपनी मातृभूमि कहते हैं या मातृ देश कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस हमें से प्रत्येक को बीन गिवेन हमें से प्रत्येक को हमें मिली है, क्या मिली है, तो सम 1 रुपए किसी को 1 रुपया मिला है, सम 2 रुपीज किसी को 2 रुपया, सम 3 रुपीज किसी को 3 रुपया। तो हमें से प्रत्येक को किसी को 1 रुपया किसी को 2 रुपया किसी को 3 रुपया मिला है, एंड सम 4 रुपीज और किसी को 4 रुपये मिले हैं। दीज रुपीज ये रुपये आर नॉट रुपीज वह रुपये नहीं है, ये रुपए वह रुपए नहीं है विद विच जिससे कि वी कैन बाय थिंग्स हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, यानी ये रुपए वह रुपए नहीं है जिससे कि हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं। बट बल्कि दे आर डिफरेंट पावर्स, बल्कि वे विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। डिफरेंट पावर्स का मतलब विभिन्न प्रकार की शक्तियां, अलग अलग शक्तियां हैं। वी हैव बीन गिवन जो हमें मिली हुई हैं या जो हमें प्रदान की गई हैं। ईच ऑफ अस हमें से प्रत्येक के पास हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, पावर्स ऑफ बॉडी शारीरिक शक्तियाँ, पावर्स ऑफ माइंड मन की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ कैरेक्टर चारित्रिक शक्तियाँ। तो हमें से प्रत्येक के पास है क्या है, तो पावर्स ऑफ बॉडी शारीरिक शक्तियाँ हैं, मन की शक्तियाँ हैं और चारित्रिक शक्तियाँ हैं।
एंड ईच ऑफ अस हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ कैरेक्टर। हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ और चारित्रिक शक्तियाँ हैं। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, हम में से प्रत्येक के पास शक्ति है, टाइम समय है, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता है, विच कैन बी यूज, जिसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम में से प्रत्येक लोगों के पास शक्ति है, समय है, बुद्धिमत्ता है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, जब हम लोग विद्यालय छोड़ते हैं एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, और संसारिक दुनिया में जाते हैं, यानी एज वी लीव स्कूल, जब हम लोग विद्यालय छोड़ते हैं एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड और संसार में प्रवेश करते हैं, वी आर टेस्टेड, हमारी परीक्षा ली जाती है, हमारी परीक्षा होती है, एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टैलेंट्स, कि हम इन योग्यताओं का प्रयोग कैसे करने जा रहे हैं। हाउ वी आर गोइंग, यानी हम कैसे करने जा रहे हैं टू यूज़, प्रयोग करने दिस टैलेंट्स, इन योग्यताओं का। तो जब हम विद्यालय छोड़ते हैं और देश और संसार में जाते हैं, तो हमारी परीक्षा होती है कि कैसे हम इन योग्यताओं का प्रयोग करने जा रहे हैं। विच वी पॉसेस, जो हमारे पास है या जिनका हम पर अधिकार है, यानी हम, यानी विच वी पॉसेस, यानी जो हमारे पास है कह सकते हैं, या जिनका हम पे अधिकार होता है, यानी जो शक्तियाँ हमारे पास होती हैं, जो समय हमारे पास होता है, जो बुद्धिमानी हमारे पास होती है। तो जब हम विद्यालय छोड़ करके दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो हमारी परीक्षा होती है कि हम इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करने जा रहे हैं जो हमारे पास हैं। आर वी गोइंग टू यूज़ देम टू बाई यूजलेस है, तो आर वी गोइंग टू यूज़ देम, क्या हम उन शक्तियों का प्रयोग करने जा रहे हैं, टू बाई यूजलेस है, यानी निरर्थक भूसा खरीदने में, यानी जो हमारे पास शक्ति समय और बुद्धि है, तो क्या हम उन शक्ति समय और बुद्धियों का प्रयोग, क्या हम निरर्थक भूसा खरीदने में करने जा रहे हैं। आर वी गोइंग टू यूज़ देम, या फिर हम लोग करने जा रहे हैं, प्रयोग करने जा रहे हैं देम टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने में, स्प्रेड लाइट माने प्रकाश फैलाने में, या फिर हम लोग उनका प्रयोग प्रकाश फैलाने में करने जा रहे हैं थ्रू आउट आवर हाउस, अपने घर के चारों तरफ, यानी अपने घर के पूरे हिस्से में उन शक्तियों का प्रयोग, उन योग्यताओं का प्रयोग हम अपने घर के पूरे हिस्से में प्रकाश फैलाने में करने जा रहे हैं। दैट इज़ आवर कंट्री, जो कि हमारा देश है, यानी हमारा घर क्या है, हमारा एक देश है। इफ, यदि वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं, यानी इफ़ वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, यदि टू बी गुड सिटीजन्स, अच्छा नागरिक बनने, यदि हम लोग अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं, देन तब वी शैल यूज़, हमें प्रयोग करना होगा, आवर पावर्स एंड एबिलिटीज़, अपनी शक्ति और योग्यताओं का प्रयोग करना होगा, यानी तब हमें अपनी शक्ति और योग्यताओं का प्रयोग करना होगा, टू ट्राई, प्रयास करने में, टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने में, यानी प्रकाश को फैलाने में, प्रयास करने में, हमें इन शक्ति और योग्यताओं का प्रयोग करना होगा। इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के पूरे हिस्से में, अपने देश के पूरे भाग में, यानी अपने देश के पूरे हिस्से में इन शक्ति और योग्यताओं का प्रयोग प्रकाश फैलाने में करना होगा। दैट इज़, जो कि है, वी शैल स्पेंड आवर सेल्व, हमें खर्च, अपने आप को खर्च करना होगा इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में, यानी हमें अपने देश की सेवा में इसे अपने आप को कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता, अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, जबकि इसके नागरिक अच्छे ना हो, सो दैट, ताकि इफ़ वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं एंड वांट टू सर्व इट, और उसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, तो हमें अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम लोग विद्यालय में होते हैं, दिस इज, यही होता है, वाट वी शुड बी डूइंग, हमें यह करना चाहिए, यानी तभी जब हम विद्यालय में होते हैं, तभी हमारे पास मौका होता है कि हम ये सब करें, हम ये सब कार्य करें। वी शुड बी ट्रेनिंग, हमें प्रशिक्षित करना चाहिए आवर सेल्फ, अपने आप को, इन सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, यानी हमें नागरिकता में के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, एंड कल्टिवेटिंग, और विकसित करना चाहिए द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक के गुणों को विकसित करने में,
यानी अच्छे नागरिक के चारित्रिक गुणों को विकसित करने में हमें अपने आप को लगाना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। इफ़ वी डू दिस, यदि हम लोग ऐसा करते हैं, देन तब व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, तब हम विद्यालय और घर को छोड़ते हैं एंड गो आउट इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और देश के दूसरे हिस्से में अलग अलग भागों में जाते हैं, तो वी शैल बी एबल टू फील इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप। तो वी शील बी एबल टू फील, हम सक्षम हो पाएंगे, टू फील का मतलब भरने में, इसको प्रकाश से, अच्छी नागरिकता के प्रकाश से, यानी हम अच्छी नागरिकता के प्रकाश से इसमें भरने में सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू गाइस, अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी हमारे इस एक्सप्लेनेशंस को पढ़ सकें और वो भी अपना लाभ उठा सकें। एग्ज़ाम्स में अगर शब्दार्थ क्लियर होता है, सेंटेंसेस क्लियर होते हैं, पढ़ने आते हैं, तो हम क्वेश्चंस आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। हमारा मॉडल पेपर्स जो है जनवरी में, जनवरी 2020 में इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी के लॉन्च होंगे, सभी बताए जाएंगे। हमारी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब हो गई थी, 2-3 महीनों से, इसलिए हमने वीडियोस अपलोड करना छोड़ दिया था। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।